किसी को सक्सेस एक साल में मिले किसी को दस साल में मिले किसी को सौ साल में मिले आपको सक्सेस मिलेगा इट वॉज वन ऑफ द दस्ट फेज पढ़े लिखे हो ए में नौकरी कर रहे हो एम किए हुए हो इंजीनियरिंग किए हुए हो और आप रोड में चश्मा बेच रहे हो बैठ मन सबको करता है लेकिन कोई अपनी जॉब छोड़ के नहीं कर पाता है हाय मेरा नाम है साहिल करना और स्वागत आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर और आज है हमारे साथ में एक और फाउंडर और वो एक ऐसी इंडस्ट्री से है जिस इंडस्ट्री में अभी तक हम घुसे नहीं है और एक तरह से वो फ्रेंचाइजी का काम भी कर रहे हैं और अपने आप को एक्सपेंड भी कर रहे हैं रिसेंटली उन्होंने फंडिंग भी रेज करी है तो जानते हैं उनसे उनके बारे में हाय मेरा नाम है सौरभ दयाल आई एम को फाउंडर ऑफ क्लियर देखो क्लियर देखो इज इंडिया इज लीडिंग अफोर्डेबल आईवेयर ब्रांड आसान भाषा में हम पाँच सौ रुपये का चश्मा बना के देते हैं एंड वी आर वी हैव ऑलरेडी ओपन हंड्रेड प्लस रिटेल आउटलेट्स पैन इंडिया हमारी सौ से ज़्यादा चश्मे की दुकानें हैं वी आर प्रेजेंट इन फिफ्टीन सेट फिफ्टीन स्टेट्स एंड थर्टी प्लस सिटीज पैन इंडिया वी आर ए फाइव ईयर ऑर्गेइजेशन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर तो बेसिकली आपने स्टार्ट कैसे किया क्या आप पहले से ही सोचा हुआ था बचपन से या चश्मे का काम करना है या इससे पहले कोई आपने जॉब वॉब भी किया नहीं मैंने इंजीनियरिंग करा इंजीनियरिंग के बाद आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट टू एंड हाफ थ्री ईयर्स विद विप्रो विप्रो टेक्नोलॉजीज बैंगलोर में कैंपस प्लेसमेंट हुआ था फिर उसके बाद मैंने एम बी ए करा स्कूल ऑफ इंस्पायर लीड स्पेशलाइजेशन किस किस में थी मार्केटिंग में थी और इट वॉज अ वन ईयर एग्जीक्यूटिव कोर्स और इंजीनियरिंग जो था वो फोर ईयर का कोर्स था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ठीक है सो उसके बाद फिर एम बी ए करा एम बी ए करने के बाद आई वर्क विद एच सी एल इन्फोसिस्टम्स फॉर ऑलमोस्ट टू ईयर्स उसके बाद आई वर्क फॉर अ स्टार्टअप एंड उसके बाद आई वर्क अ वेल नोन कंपनी कॉल्ड पे टी एम वेयर आई स्पेंट ऑलमोस्ट टू ईयर्स एंड दैट एक्चुअली चेंज माई लाइफ एंड एक्सपोज मी टू जो स्टार्टअप की दुनिया है काफ़ी नेटवर्किंग हुई काफ़ी कुछ सीखा एंड देन इवेंचुअली विथ माई पार्टनर आई स्टार्ट क्लियर देखो फिर जॉब्स का स्विच करने का रीजन क्या था इंक्रीमेंट मज़ा नहीं आ रहा था या फिर कुछ और था ये बात सब लोग को पता नहीं है बट आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं सब ऑडियंस के साथ शेयर करूँ एक्चुअली वेन आई स्टार्ट विप्रो आई वॉज नॉट वेरी गुड आई ऑलवेज बीन एवरेज परफॉर्मर और अकेडमिकली भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था आई एव ऑलवेज बीन एवरेज स्टूडेंट हाँ मैथ्स और साइंस में मेरे थोड़े मतलब आई वॉज आई वॉज प्रिटी डिसेंट आई एम गुड विथ नंबर्स बट हाँ बाकी सब सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा ढीला था मैं फिर जब विप्रो में हुआ टेक्निकल प्रोफाइल था आई वॉज आज टू कोड एंड थोड़ा सा उसमें इट वॉज़ आई हैड अ टफ टाइम तो मैं किसी तरह मैंने ढाई साल काम किया एंड इवेंचुअली थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट सो विप्रो आस्ट मी टू लीव इट वॉज शॉकिंग थिंग फॉर मी और काफ़ी शैटरिंग एक्सपीरियंस था एंड आई डेंट नो वॉट टू डू क्योंकि मैं तीन साल ढाई तीन साल बैंगलोर में था अवे फ्रॉम माई हाउस आई डेंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन बट येस द फैक्ट वॉज कि आई वॉज नॉट गुड एट माई वर्क कोडिंग में अच्छा नहीं था क्या कोड करते थे एक वी एल एस आई करके एक डोमेन है एंड आई वॉज इन द वेरीफिकेशन टीम और सी लैंग्वेज था जिसमें हमें टेस्ट केसेज बनाने पड़ते थे सो आई वॉज नॉट वेरी गुड एट इट बट इसी तरह मैं मैंने मैनेज किया ढाई साल एंड इवेंचुअली इट हैड टू हैपन एंड बिप्रो ने कहा कि सॉरी सौरभ वी कैनॉट हैव यू एनी मोर ठीक है इट वॉज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ मेरे लिए लर्निंग था वो ढाई साल एंड आई थाट कि अब अब इंजीनियरिंग uh, कर लिया काम कर लिया आई हैड टू स्विच बिकॉज मैंने ना ट्राई भी नहीं किया कि मैं कोई दूसरे जॉब्स करूँ इन द सिमिलर फील्ड कोडिंग में मैंने नई ट्राई किया बिकॉज आई न्यू कि आई वॉज नॉट वेरी गुड एट इट तो जबरदस्ती कोई चीज़ करने में का कोई फ़ायदा नहीं है सो आई डिसाइडेड कि लेट मी स्विच और फिर मैं वापस दिल्ली आया आई डि माई पेरेंट्स एंड देन आई डिसाइडेड कि एम uh, बी करते हैं सो hmm. so, फिर कैट का प्रिपरेशन किया बीच में ड्रॉप था एक तरह uh, का मैंने छ महीने का छः महीने का ड्रॉप लिया okay. उस छः महीने में मैंने uh, uh, कैट का प्रिपरेशन किया uh, काफ़ी मेहनत किया

जैसा नाम कहता है स्कूल ऑफ इंस्पायर्ड लीडरशिप तो वो लीडरशिप पे फोकस था पूरा एंड डोमेन मार्केटिंग था तो so, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था आफ्टर दैट आई आई फिर वहाँ पे भी काम आप प्रोफाइल थी वहाँ पे? पहले साल सेल्स में था पहले से सीधा में पहुंच so, uh, मिला मुझे और सेल्स प्रोफाइल में uh, एक साल रहा बट अगेन uh, uh, और uh, एक साल बाद uh, मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर्स को और मैनेजमेंट को मेरा काम कुछ नहीं समझ में आ रहा था एंड दे अगेन आस्ट मी की सौरभ दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर यू तो उस टाइम पे तो मेरे को एकदम दिमाग ख़राब हो गया बिकॉज आपने चार साल की इंजीनियरिंग करी आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली पैसा खर्च हुआ इंजीनियरिंग में उसके बाद विप्रो में गया विप्रो में थिंग्स डेंट वर्कआउट फिर एम किया एम आजकल एवरीबडी नोज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फिर एम किया और उसके बाद जब प्लेसमेंट हुआ एच में तो एक साल बाद मुझे फिर बोला जाता है यू आर नॉट गुड एट इट तो इट वॉज अगेन हिस्ट्री वॉज रिपीटिंग इट सेल्फ तो मेरे लिए काफ़ी उस टाइम पे डी मोटिवेटिंग uh, सा एक uh, माहौल बन गया था सो आई इंटरनली शिफ्टेड टू मार्केटिंग डोमेन तो सेल्स है मार्केटिंग में आ गया एच में एंड मार्केटिंग uh, में आई वॉज़ टेकिंग केयर ऑफ़ साउथ इंडिया का मार्केटिंग एंड जिसमें से महीने में करीब पंद्रह बीस दिन ट्रैवल करना होता था तो so, वो जॉब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया एंड आई स्टार्टड गेटिंग अप्रिसिएशन रिजल्ट अच्छे आने लग गए साउथ जोन स्टार्टेड परफॉर्मिंग फेयरली वेल इफ बी कम्पेयर विथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वहाँ पर थोड़ा सा मेरा अच्छा समय हुआ एंड देन आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट टू ईयर्स विथ एच सी एल फिर उसके बाद मैंने एक एक स्टार्टअप ज्वाइन किया नोएडा में वहाँ पे भी करीबन डेढ़ साल रहा मैं वो स्टार्टअप क्या करती थी वो स्टार्टअप डेटा एनालिटिक्स में थी अभी भी है अभी भी है वो स्टार्टअप नोएडा में है एंड आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ आई वॉज वर्चुअली टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर सेल्स फॉर दैट फाउंडर वॉज बेस्ड आउट ऑफ बॉस्टन यू और इंडिया का सेल्स मैं देख रहा था देर वर इट वॉज अ टीम ऑफ अराउंड सिक्सटी फाइव पीपल और आई स्पेंड क्लोज टू वन एंड हाफ इयर्स। स्टार्टिंग में uh, थोड़ा सा टफ था देन इवेंचुअली वी 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 कॉट पेस और सेल्स uh, होने लग गया वी स्टार्टेड जनरेटिंग डिसेंट नंबर्स उसके बाद फिर ऑलमोस्ट ईयर एंड हाफ के बाद समाओ फेल्ड की दे वर एक्सपेक्टिंग ऑपरेशन एंड वो शायद नहीं मिल पा रहा था उनको थर्ड टाइम हिस्ट्री रिपीट एंड दे मी की सॉरब थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट वी कैन नॉट कंटिन्यू विथ यू तो आई न्यू जॉब एंड लकीली उस टाइम पे आई गॉट दिस ऑपरचुनिटी टू वर्क विद पेटीएम वहाँ पे मैं बताता हूँ दो हजार में पेटीएम uh, में ऑपरचुनिटी uh, मिली मुझे एंड सेल्स सेल्स प्रोफाइल ही था बिकॉज सेल्स मार्केटिंग ही कर रहा था मैं थोड़ा सा मुझे झिझक था बिकॉज सेल्स में मेरा प्रायर एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा है आई वॉज आज टू लीव फ्रॉम माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन तो आई वॉज लिटल बिट रिलेक्टेंट वो कहते हैं ना सही समय पर मैं आप अगर सही जगह पे हो इट कैन वर्क फॉर यू तो आई थिंक आई वॉज लकी वेरी फॉर्चुनेट कि उस टाइम पे टी वॉलेट लॉन्च हुआ था एंड पे वॉलेट एज वी ऑल नो कि इंडियाज लार्जेस्ट वॉलेट है एंड एवरी बडी यूजेज पे टी एम सो वो एक टीम बना रहे थे एक कोर टीम बना रहे थे uh, करीबन सौ लोगों जिस लो की जिसमें छः लोग की कोर टीम थी सो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट सिक्स एंड देन देर वॉज अ लार्जर टीम जो ऑल ओवर इंडिया पेमेंट सोल्यूशंस बेच रही थी सो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू बी पार्ट ऑफ़ दैट सिक्स मेम्बर टीम एंड जिसमें से बाकी पाँच आई एम से थे आई वॉज द ओनली नॉन आई एम आई कैन सेट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दैट टीम और उसके बाद फिर uh, जर्नी शुरू हुआ पे टी एम में एंड आई सक्सेसफुली क्लोज्ड मोर दैन वन फिफ्टी ऑर्ड अकाउंट्स इतने लोगों को मैंने पेमेंट सोल्यूशंस बेचे सो दैट टाइम वॉज द फर्स्ट टाइम वेर आई टेस्टेड सक्सेस इन माई वर्क इससे पहले सेल्स uh, में उतना मिल नहीं रहा था जो ट्रेवलिंग जब कर रहे थे जब आप ऐसा लाते हो आई डोंट थिंक एनी अदर फील्ड कैन मैच दैट सो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था एंड ऑन टॉप ऑफ दैट नॉट ओनली गेटिंग मनी बट आई वॉज सेलिंग पेमेंट सोल्यूशन टू अट ऑफ फाउंडर्स एंड सीनियर में कंपनीज सो so, आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा था आपको लोगों से मिलने का मौका मिल रहा था नेटवर्किंग हो रहा था तो वो दो साल वहाँ पर रहा अच्छा टाइम रहा बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलने को मिला एंड इवेंचुअली ड्यूरिंग द एंड ऑफ टू इयर्स

की जो आबादी है इंडिया में उसमें से करीबन 60 से 70 करोड़ लोग को चश्मा चाहिए जिसमें से चश्मा पहनने वाले सिर्फ 30 करोड़ हैं बाकी 30 करोड़ चश्मा पहन ही नहीं रहे हैं उसके दो कारण हैं पहला कारण है कि आसपास कोई ऑप्टिकल की दुकान ही नहीं है और दूसरा कारण है कि उनके पास पैसे ही नहीं है कि वो एक अच्छा चश्मा खरीद सके सो so, इसीलिए भी स्टार्टेड क्लियर देखो और ये जो मैं चश्मा पहना हुआ हूँ जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ पांच सौ रुपए का है और इसमें एंटी ग्लेयर लेंसेज लगे हुए हैं और ये नंबर वाला है नंबर वाला है मेरा नंबर है और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से प्रोटेक्ट करता है वो ब्लू लाइट जो कहते हैं वो भी है वो इसमें नहीं है लेकिन वो नेक्स्ट वर्जन है जो हम लोग बेचते हैं वो भी हमारे में मिलता है लेकिन ये फर्स्ट वर्जन है जो पांच सौ रुपए में पूरा फ्रेम और लेंस एंटीग्लेयर लेंस ये आपको पाँच सौ रुपए में क्लियर देखो कि किसी भी आउटलेट से मिल जाएगा तो ये ये मेरे को एक बार समझाओगे कि ए, की दुनिया कैसे काम करती है पहले बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा मुझे भी नहीं पता आ, पहले तो ये एंटी ग्लेयर क्या होता है ऑल तो मुझे पता है पर फिर भी ऑडियंस के लिए आप एंटी ग्लेयर क्या होता है देखिए जैसा नेम बोलता है एंटी ग्लेयर मतलब जो ग्लेयर्स निकलते हैं ग्लेयर्स मतलब जो रेज निकलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से स्क्रीन से आप दिन भर टीवी के सामने होते हो मोबाइल के सामने होते हो या फिर आप धूप में चल रहे हो तो देर इज अ लॉट ऑफ रेज विच इज हिटिंग योर आईज अब क्योंकि आइज इतना सेंसिटिव है तो इसीलिए डस्ट से और वो हार्मफुल रेज से आपकी आंखों का जो नजर है वो धीरे धीरे कम होता रहता है तो अगर आप दिन भर स्क्रीन पे रहेंगे आठ घंटा आप लैपटॉप में आई एम श्योर आप दिन भर स्क्रीन के सामने रहते हैं और आजकल की जो दुनिया है आफ्टर कोविड द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैव इंक्रीज सो एवरीबडी स्पेंडिंग क्लोज टू टेन टू फिफ्टीन आवर्स इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो टैबलेट हो चाहे वो टीवी हो एवरीबॉडी इज स्पेंडिंग टेन टू आवर्स इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन जिसके वजह से आपके जो आँख है वो खराब हो रही है तो, 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 तो मतलब किसी को अगर जैसे मैं कंप्यूटर पे काम करता हूं, मेरी ठीक है है बाय तो भी मुझे जीरो नंबर का लगाना चाहिए कंप्यूटर पे काम करते वक्त बिल्कुल आपको ब्लू कट चश्मा लगाना चाहिए तो हार्मफुल रेडिएशन निकलते हैं ये सारे स्क्रीन से तो ये जो ये जो लेंस है ब्लू लेंस ये उन रेडिएशंस को काट देता है और सिर्फ जो नॉन हार्मफुल रेडिएशंस रेडियो उनको पास कर देता है तो इससे यू कैन स्पेंड मोर आवर्स इन फ्रंट ऑफ पीसी एंड लैपटॉप्स इफ यू यूज ब्लू ब्लू कट कट ठीक है तो अलग होते हैं एंटी ग्लेयर फर्स्ट लेवल है जिसमें आपको एक लेवल तक प्रोटेक्शन मिलता है, है उसके बाद ब्लू कट लें है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो हार्मफुल रेज निकलते हैं उनसे प्रोटेक्शन ठीक है। उससे ऊपर भी कुछ होता है उससे ऊपर नहीं होता है

आपके यूजली क्या होता है दूर का नज़र कमजोर होता तो है उसको सिंगल विजन बोलते हैं जिसमें आपका आ, दूर का नज़र कमजोर है या फिर पास का नजर कमजोर है सिंगल विजन के बाद आता है बाईफ बाईफल यूजुअली 40 साल के बाद आता है जिसमें आपका दूर और पास दोनों का नज़र कमजोर हो जाता है तो आपके पेरेंट्स होंगे तो वो जरूर चश्मा लगाते होंगे उनको पास का नहीं दिखता होगा और दूर का भी नहीं दिखता होगा तो वो बाईफोकल लगाते हैं बाईफोकल कुछ नहीं होता एक ऐसा लेंस होगा बीच में एक छोटा शीशा लगा होता है हाँ सेमी सर्कल होता है उसे बाईफ बोलते हैं जिसमें आप जो सेमी सर्कल है है उससे आपको पास का दिखता है, तो आपको कुछ पढ़ना है तो आप उससे देख सकते हैं और अगर आप ऊपर की तरफ से देखेंगे यहां से तो आपको दूर का दिखेगा उसका एक एडवांस्ड वर्जन है है प्रोग्रेसिव जिसमें वो सेमी सर्कल नहीं होता है, और कोई बाइफर्केशन नहीं होता है कोई लाइन नहीं होता है नहीं। इसी टाइप का जैसे मैं फ्रेम पहना हुआ वैसा ही होगा ऊपर से देखेंगे तो आपको दूर का दिखेगा थोड़ा बीच से देखेंगे तो आपको कंप्यूटर डिस्टेंस दिखेगा और नीचे से देखेंगे तो आपको पढ़ने का दिखेगा ये भी आपको क्लियर देखो कि किसी भी आउटलेट के तो ये नॉर्मल से एक्सपेंसिव होते हैं हाँ आप समझिए इसका स्टार्टिंग रेंज 2000 से शुरू होता है बाईफ सात सौ से शुरू हो जाता है और प्रोग्रेसिव 2000 से शुरू हो जाता है एज आप मतलब जैसे जैसे आप एडिशनल फीचर्स चाहेंगे अब प्रोग्रेसिव में भी बहुत चीजें आती हैं जैसे एंटी ग्लेयर हो गया आपको और प्रोटेक्शन चाहिए तो ब्लू कट हो गया ब्लू कट से ऊपर कुछ नहीं आता ब्लू कट के ऊपर कुछ नहीं होता है लेकिन दूसरे टाइप के फीचर्स होते हैं जैसे आपको वाटर रिपेलेंट चाहिए या आपको अनब्रेकेबल लेंसस जैसे अभी के टाइम पे मैंने एविएटर्स पहने और मास्क लगाया गाड़ी में गया तो आगे फॉग जम गई तो उसके लिए सो देयर आर फ्यू कंपनीज जो जो ये ऐसे लेंसस लेकर आ रहे हैं जिसमें

क्लियर देखो के लेंसेज पहनेंगे तो वो भी ढाई तीन हज़ार तक जाते हैं और चार सौ पाँच सौ से शुरू होते हैं और तीन चार हजार तक जाते हैं तो तो हमारे पास अफोर्डेबल रेंज ऑफ लेंसेज है तो जो आपको ब्रांडेड लेंस मिलते हैं मार्केट में उससे ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट प्राइस पे आपको क्लियर देखो के लेंस ठीक है और ये जो ग्लास होते हैं ये कांच के होते हैं या प्लास्टिक होते हैं फाइबर वाले होते हैं अब फाइबर आने लग गए हैं बट अगर आपको ध्यान हो तो आपके फादर आपके दादा नाना ये सब लोग कांच के पहनते थे कांच का प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो भारी होता है तो आपके नाक में गड्ढे पड़ जाएंगे थोड़ा सा सर सर दर्द भी होने लग जाता है और दूसरा कि वो अगर गिरेगा तो टूट सकता है अब अगर मैं ये फ्रेम को गिरा दूँ तो ये नहीं टूटेगा सो क्योंकि ये फाइबर के लेंसेज है इस इसके डिस फाइबर का डिसएडवांटेज बस ये है कि इसमें स्क्रैचेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएंगे ग्लास में स्क्रैच नहीं लगेगा अगर आप अपने विंडो में जाके ऐसे खुरे देंगे तो आपको कोई स्क्रैच नहीं नाखून के आएंगे लेकिन अगर आप इसमें डस्ट से लोग क्या करते हैं अपने टी शर्ट से पोषण लग जाते हैं अब टी शर्ट में डस्ट है तो थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेकिन हमारे यहाँ जो लेंसेज हैं वो स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं डस्ट रेजिस्टेंट होते हैं ये बेस वाले भी होते हैं पाँच सौ बेस वाले भी होते हैं रेजिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि स्क्रैच नहीं आएगा हाँ। लेकिन लंबे समय तक आपका चलेगा उसका लाइफ ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फ्यू अदर लेंसेज इन द मार्केट तो एक बार की बात है मेरे पापा रोलेक्स की घड़ी लेके आए और उसका जो ऊपर वाला ग्लास था वो ये स्क्रैच रेजिस्टेंट था तो पापा ने टशन टशन में अपने दोस्त को दिखाया देख बेटा मैं घड़ी लेके आया रोलेक्स की कहते मेरी घड़ी भी सेम बताती है तेरी घड़ी भी सेम है पापा कहते हैं बेटा ये ब्रांड है और ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है उन्होंने क्या किया पापा की घड़ी ली उसको रोड पर रगड़ दिया तो उस स्क्रैच आने ही थे

कोई भी रफ सरफेस से अगर टच होगा तो उस रफ से स्क्रैचेस को रोकता है इसका कुछ वो नहीं आता ग्रेड टाइप्स इसके अंदर कुछ कहते नहीं कि लेवल वन ग्रेड का इस पे कोटिंग है जैसे फोनो के अंदर आता है गोरिल्ला ग्लास वन टू थ्री फोर फाइव तो उसके अंदर वो कहते हैं कि ये वाला इस ब्लेड को इतने सेकंड तक ये इसको ऐसे झेल लेगा कुछ ऐसा नहीं है देखिए ये सारे मार्केटिंग गेमिक्स होते हैं आ, लेकिन आ, अगर आप को मैं सच्चाई बताऊं तो एक कोटिंग होती है जिससे आपका प्रोटेक्शन होता है अब उस कोटिंग के डेंसिटी को आप थोड़ा बढ़ा देंगे तो प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा पर उस कोटिंग की वजह से फिर ग्लास की क्वालिटी खराब नहीं होगी अच्छा। खराब नहीं होगी क्वालिटी खराब नहीं होगी लेकिन एक एक, एक एक बेसिक लेवल ऑफ कोटिंग होता है बहुत ज्यादा कोटिंग भी नहीं दे सकते हैं अदरवाइज वो पावर में इफेक्ट करेगा हाँ वही मैं बेसिक कोटिंग होता है जो लेंस के ऊपर होता है जिससे आपको वो वाटर रिपेलेंट होगा डस्ट रिपेलेंट होगा शुरू करोगे था because, uh, uh, था, uh, क्योंकि आप एक अच्छी जॉब आई वॉज अर्निंग सैलरी फ्रॉम पेटीएम मेरे जो पार्टनर है वो भी अच्छा कमा रहे थे सो इट वॉज वेरी टफ डिसीजन फॉर अस कि कुछ छोड़ के अपना करने का मन सबको करता है लेकिन कोई अपनी जॉब छोड़ के नहीं कर पाता है बट फॉर्चुनेटली uh, 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 हमने वो डिसीजन लिया और वी क्वेटा जॉब्स एंड हमने अपने ही घर से शुरू किया uh, और uh, हम लोग ने पहले ई e कॉमर्स uh, सोचा कि क्योंकि मेरे पास ई e कॉमर्स का एक्सपीरियंस था और उनके पास ऑप्टिकल का एक्सपीरियंस था तो हम लोग ने सोचा मार्केट प्लेस बनाने का तो मार्केट प्लेस का फ़ायदा ये है कि आपको इन्वेंट्री खरीद के नहीं रखनी है नहीं। तो आपको ज़्यादा हमारे पास वैसे भी बहुत ज़्यादा पैसा था नहीं, नहीं। हम लोग के पास बोथ ऑफ अस कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली थोड़ा बहुत सेविंग्स था उसको हमने वेबसाइट डेवलपमेंट में लगा दिया उसके बाद फिर हमने वेबसाइट बनवाया मार्केट प्लेस बनवाया जिसमें हमने कुछ सेलर्स को ऑनबोर्ड किए क्योंकि मेरे पार्टनर ऑप्टिकल कम्युनिटी से हैं ऑप्टिकल बैकग्राउंड से हैं तो उनके पास ऑलरेडी कुछ डीलर्स थे मैनुफैक्चरर्स थे जो चश्मा फ्रेम्स बनाते हैं तो उनको हमने लिस्ट कर दिया फ़ोटो खींचे वेबसाइट बनाया और हम लोग ने थोड़ा बहुत बेसिक क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस था इस टाइम पे हम उनसे चार्ज कर रहे थे इनिशियल जो लोगों को आनबोड कर रहे थे नहीं 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 फ्री फ्री आज तो भी। शूट भी फ्री कर रहे थे सब कुछ सब कुछ फ्री कर रहे थे क्योंकि एक नया प्लेटफॉर्म है उनको भी हम हमें भी उनका ट्रस्ट जीतना है यू के नॉट चार्ज देम फ्रॉम डे वन तो हम लोग ने वेबसाइट बनाया उनको उनसे प्रोडक्ट्स लिए फोटो खींचे वेबसाइट में डाले और थोड़ा बहुत बेसिक लेवल ऑफ मार्केटिंग शुरू किया Uh, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था पेटीएम से तो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता था कि ई कॉमर्स कैसे चलता है तो हम लोग ने थोड़ा सा मार्केटिंग शुरू किया मार्केटिंग कैसे कर रहे थे मतलब गूगल एड्स फेसबुक एड्स कर रहे थे थोड़े बहुत गूगल एड्स कर रहे थे कैशबैक mm. कैंपेन चला रहे थे पेटीएम के साथ तो ये सब कुछ थोड़ा बहुत हम लोग ने शुरू किया और धीरे धीरे पाँच ऑर्डर दस ऑर्डर एक ऐसा टाइम भी आया जब सौ ऑर्डर पर डे हो रहा था सो दैट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर अस क्योंकि आज सो ऑर्डर बहुत कम लगता है एक दिन में लेकिन उस टाइम पे सो ऑर्डर वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस इतने सारे ऑर्डर आ गए कि मैं पैक कर रहा हूँ मेरे पार्टनर पैक पार्ट कर रहे हैं हमारी वाइफ्स पैक कर रहे हैं सो एंड वी आर वर्किंग फ्रॉम फ्रॉम अ स्मॉल रूम सो इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग येट चैलेंजिंग टाइम फॉर अस तो इनिशियली कोई टीम थी नहीं आप दोनों ही थे हम दोनों थे और, आप... और आपके हेल्पिंग एंड आपकी वाइफ थी ठीक <laughs> है तो हम लोग ने ऐसे शुरू किया फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग ने तीन चार लोग और हायर किए ये ये टाइम टाइम कब आया था ये आप समझिए कि मंथ्स मंथ्स हम लोग ने कुछ लोग को हायर किया ये बात चल रही है 2016 दिसंबर की ठीक है मेरा पेटीएम जो था वो एक महीना दो महीना पहले मैंने पेटीएम छोड़ा उन्होंने अपनी ऑप्टिकल कंपनी छोड़ी और करीबन दिसंबर 2016 में हमने ये शुरू किया और वेबसाइट बनने में कितना टाइम लगा वेबसाइट बनने में करीबन तीन से चार महीना लगा तो बेसिकली हम लोग ने वेबसाइट बनाई पेटीएम छोड़ा मैंने और फिर उन्होंने अपना जॉब छोड़ा और फिर दो महीने में हमने लॉन्च किया वेबसाइट शुरू करी थोड़ा सा ट्रैफ़िक आना शुरू हुआ फिर थोड़ा मज़ा आने लग गया

कर रहे थे देखिए मैं आपको क्योंकि मैं अब इंडस्ट्री को समझ गया हूँ तो मैं दो चीज़ें ई कॉमर्स इंडस्ट्री को डिफाइन करती है वन इज़ कस्टमर लॉयल्टी एंड अदर इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अगर आपको एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स कंपनी बनाना है तो आपको बहुत हाई लॉयल्टी चाहिए जो इंडिया में पाना बहुत मुश्किल है आज आपको अगर फ्लाइट बुकिंग करना है आपको दिल्ली से पटना जाना है तो आप आप uh, मेकमाइट्रिप uh, भी खोलोगे यात्रा भी खोलोगे ईज माई ट्रिप भी खोलोगे आप वहाँ से लोगे आपको प्लेटफॉर्म लॉयल्टी नहीं है आपको ब्रांड लॉयल्टी है हो सकता है आपको इंडिगो से जाना हो लेकिन आपको जहाँ से इंडिगो फ्लाइट सस्ता मिलेगा वहाँ से जाओगे या फिर बहुत लोग को तो इंडिगो से भी कोई मतलब है चाहे स्पाइस मिल जाए गो एयर मिल जाए इंडिगो मिल जाए वो उससे जाएंगे जो सस्ती है सो ई कॉमर्स में कस्टमर लॉयल्टी प्लेज अ बिग रोल और अगर लॉयल्टी नहीं है तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है सो फॉर यूजर्स कस्टमर एक्विजीशन कॉस्ट इज द मनी स्पेंड टू एक्वायर वन कस्टमर विच इज दूर वन ऑर्डर सो एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए इंटरनेट पे आ, करीबन चार सौ से पाँच सौ रुपए का इस टाइम पे चल रहा है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है अगर मैं आपकी तब की बात मान के चलू तो पहले तो मेरे को मार्जिन बताओ क्या था मार्जिन आप समझिए कि हम पांच सौ रुपए का बेच रहे थे हाँ. जिसमें से दो सौ ढाई सौ की हमारी खरीद होगी ठीक है। आ, और जो हम दो सौ रुपये हम कमा रहे थे वो वापस से हम लगा देते थे मार्केटिंग में दो सौ रुपये तो ये ये लग हो गया ढाई सौ रुपये दिख रहा है अभी दुनिया को पर अभी हम सच्चाई के बारे में बात करेंगे वो ढाई सौ रुपये नहीं है फिर एक्विजिशन कॉस्ट हो गई एक्विजिशन कॉस्ट मतलब फेसबुक पे जो एड चला रहे थे सब कुछ चला रहे थे दो सौ ढाई सौ रुपये उसका खर्चा आ जाता होगा पाँच सौ रुपये खत्म हो चुके हैं अब पेट्रोल का खर्चा और आपकी सैलरी कहाँ से आ रही थी सैलरी तो हम ले ही नहीं रहे थे एक साल डेढ़ साल तक तो फाउंडर्स ने सैलरी नहीं ली है और पेट्रोल का खर्चा निकल पा रहा था

नौ लाख रुपए हम लोग को मिले उस टाइम पे नौ लाख रुपए वाज करोड़ों के बराबर था आपकी वेबसाइट की कॉस्ट कितनी आई आई थी थिंक uh, डेढ़ से दो लाख रुपए लग गए वेबसाइट तो हम लोग ने अपने पैसे से ही बनाया था ये जो नौ लाख रुपए आए थे ये नौ लाख थोड़े से एक दो महीने बाद आए तब तक वेबसाइट का पैसा और वो सब जा चुका था लाख जब आए तब आपने uh, टीम तो टीम बढ़ाई कमरा दस बाय दस का कमरा लिया हम लोग ने वही पे टेबल कुर्सी बैठा के चार पांच लोग बैठ के वहीं पे काम करे कुछ डिलीवरी बॉयज थे एक दो मैनेजर रख लिए थे एक दो फील्ड एग्जीक्यूटिव रख लिए थे तो ये सब हम लोग ने करीबन आप समझिए कि पांच छे सात लोग की टीम बन गई थी और इस तरीके से हम लोग ने शुरू किया ऑर्डर्स आने शुरू हुए एक थोड़ा सा आ, टफ टाइम आया कितने टाइम में आप समझिए कि छः महीने बाद हमारा सारा पैसा खत्म हो गया क्योंकि हम सेल तो बड़ी हम 100 ऑर्डर्स पर डे कर रहे थे लेकिन उसमें मार्केटिंग का कॉस्ट बढ़ रहा था कस्टमर को एक्वायर करने का कॉस्ट बढ़ रहा था तो सारा हम सेल कर रहे थे वो सारा पैसा मार्केटिंग में लगाते थे फिर लगाते थे तो फिर पैसा आता था फिर वो वापस था तो बेसिकली हम नेट नेट कुछ कमा नहीं रहे थे एक भी बच नहीं रहा था मैं आपको एक के लिए रोकना जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ कस्टमर लाइफ टाइम साइकिल जो बात करी जाती है ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर उसमें क्या कहा जाता है कि यार आपने एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए बहुत मोटा पैसा डाल दिया अब कस्टमर को जब दोबारा प्रोडक्ट लेना होगा तो आपके पास आएगा अभी तक ये कंसेप्ट चल रहा था अब मैंने इस पर बहुत बार बात भी करी है आप पहली पुरानी वीडियोस देख सकते हो पर इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली वो करी कस्टमर लॉयल्टी की बात मतलब लॉयल तो है नहीं अब मान लो इन्होंने सोचा कि यार मैं ढाई सौ डालता हूँ एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए और ढाई सौ के अंदर वो कस्टमर मेरा हो जाएगा अब कल को अगर वो दोबारा जब ऑर्डर करेगा तब मैं उसे कमा लूँगा तो आप तो इसी में सोच रहे थे पर कस्टमर ने एक बार तो ऑर्डर किया

लॉजिस्टिक लोजि तो लग ही रहा था लेकिन ऑर्डर्स काफ़ी आ रहे थे हम लोग के तो फिर हम लोग ने छ महीने के बाद एक ऐसा समय आया जिसमें लिटरली बैंक अकाउंट में जीरो हो गया था पूरा हमारा एक भी रुपए बचे नहीं थे मैं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ लिटरली जीरो इन आ, बैंक बैलेंस उस टाइम पे आप समझिए कि महीने का शुरुआत है और डेढ़ लाख रुपए के खर्चे थे हमारे इंक्लूडिंग रेंट सैलरीज ऑपरेशनल एक्सपेंस बहुत तरीके के खर्चे होते हैं जब आप एक कंपनी चला रहे हैं मंथ का पहला दिन है अकाउंट में जीरो है आपके पास एक टीम है जिनको आपको सैलरी देना है अदरवाइज वो टीम रहेगी नहीं तो और डेढ़ लाख के खर्चे हैं तो हमें समझ में नहीं आया क्या करें मल्टीपल थाट्स आए कि लेट्स क्विट एंड दिस वॉज विद इन सिक्स मंथ्स ऑफ स्टार्टिंग क्लियर देखो छः महीने के अंदर ही इतना बड़ा हमें हिकअप मिला एक टाइम ऐसा था जिसमें हम इतने खुश थे कि हमको फंडिंग मिली है था हम लोग खरीद नहीं रहे थे, थे मॉडल ही है हमारा जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ड पेटीएम ये सारे मार्केट प्लेस मॉडल हैं इनमें उनका कोई इन्वेंट्री नहीं है सेलर है जो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और जब बिकता है तो सेलर को हमें कमीशन मिल जाता है जो प्लेटफॉर्म है और सेलर को उनका ख़रीद मिल जाता है प्लस सर्टन प्रॉफिट डेढ़ लाख रुपए के खर्चे और हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें हॉट्स आ रहे थे कि बंद करते हैं लेकिन फिर एक चीज़ हमारे दिमाग में स्ट्रक की और ये आप सब सुन रहे हैं आप सबको पता होगा कि हमारे घर के पास हर लोकेलेलिटी में सोम बाज़ार लगता है मंगल बाज़ार लगता है ऑल ओवर इंडिया जिसमें हाउस वाइफ्स हमारे मम्मी हमारे फादर ये लोग जाते हैं और सब्ज़ी लेते हैं तो मैं वसुंधरा गाजियाबाद में रहता हूँ मैं बीस साल से रह रहा हूँ और मुझे याद है कि मैं बचपन से और वहाँ पर एक साई मंदिर है वहाँ पर सोम बाज़ार लगता था जहाँ पे लाइन से करीबन ये जो रेड़ी वाले हैं ये लोग करीबन 500 लोग वहाँ पे अपना ठेरा लगाते थे जिसको हम ठिया बोलते हैं और मैं वहाँ पे जाता था मम्मी के साथ सब्ज़ी खरीदता था मम्मी सब्जी लेती थी और मैं बैग को कैरी करके घर लाता था तो हमने सोचा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं जो ई e कॉमर्स है वो नॉन प्रॉफिटेबल वेंचर है और एडिशनल आपके जो खर्चे हैं डेढ़ लाख के आपको या तो आप कंपनी बंद कर दो या फिर आप एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम का आ, तरीका अपनाओ तो हमने सोचा कि चलो वहाँ पे हम लोग ठीया लगाते हैं तो हमने गाड़ी ली दो सूट के इस लिए सौ सौ फ्रेम डाले उसमें फ्रेम्स जो और सस्ते फ्रेम्स डाले हम लोग ने सौ डेढ़ सौ रुपये के और हम लोग गए वहाँ पे तो मैं साई मंदिर पहुंच गया वसुंधरा गाज़ियाबाद की बात बता रहा हूँ मैं और मैंने वहाँ पे देखा मैं चार बजे पहुँच गया मैंने वहाँ पे देखा कि सब लोग अपना टेबल लगा रहे थे तो होता क्या है कि वहाँ पे टेबल लगते हैं और बंदा अपना बाइक में गाड़ी में अपना सामान लेकर आता है फिर वो पूरा सेटअप करता है और फिर आप समझिए कि पाँच छः बजे से जो कस्टमर्स हैं वो आना शुरू करते हैं मुझे तो कुछ पता नहीं था तो जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे एक जगह खाली मिली तो मैं वहाँ पर अपना सेटअप लगाने लग गया तो जो पड़ोसी था उसने कहा कि ये तो यार राम का जगह है यहाँ तो वो लगाएगा आप नहीं लगा सकते हो तो मैं बोला ठीक है तो मैं बगल बगलवार लगाने लग गया तो उसका पड़ोसी बोलता ये तो शाम का जगह है यहाँ तो वो लगाएगा तो ऐसे करते करते करीबन दस जगह से मुझे रिजेक्शन मिला तो किसी ने बोला अपना अंत में लगा लो लास्ट में लेकिन इतना तो हमें पता है कि लास्ट में कस्टमर तो आएंगे नहीं मेन जो भीड़ होगी वो सेंटर में होगी लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो हम जाने लग गए वहाँ पे पीछे से आवाज आया कि ये जगह खाली है ये बंदा बीमार है आप यहाँ लगा सकते हो तो मैं लगाने लग गया तो बोलता कि सर आपको आठ सौ रुपये देने पड़ेंगे तो अच्छा। मैंने बोला आठ सौ क्यों देने पड़ेंगे बोला कि ये रेंट है तो लेकिन हमारे पास वो एक अपरचुनिटी था और कोई और हमारे पास ऑल्टरनेटिव भी नहीं था पैसे कमाने के इमीडिएटली जेब से आठ सौ निकाले उसको दिया और वहाँ पर सेटअप कर लिया साहिल आप मानोगे नहीं उस दिन हमने पचास फ्रेम बेचे सौ सौ रुपये ईच और हमने पाँच हज़ार की सेल करी हम चाराँच बजे बैठे और रात को ग्यारह बजे तक उठे नहीं वहाँ से पाँच हजार कैश हमारे पास आए और आप सोचिए पाँच हजार एक दिन में मतलब तीस दिन में डेढ़ लाख और हमें डेढ़ लाख ही चाहिए था तो शायद भगवान का इशारा था कि उस दिन पाँच हज़ार की सेल हुई आज भी बोलते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो दिन है और आज का दिन है हमने लगातार छ महीने तक वन डेज ऑन द ट्रॉट चाहे बुखार हो चाहे बीमार हो चाहे ठंड लग रही हो चाहे बारिश हो चाहे आंधी आए हमने लगातार लगाया वहाँ पे और सच बता रहा हूँ इट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट फेज क्योंकि आप पढ़े लिखे हो पेटीएम में नौकरी कर रहे हो एम किए हुए हो इंजीनियरिंग किए हुए हो और आप रोड में चश्मा बेच रहे हो बैठ कर आपकी ना सेल्फ एस्टीम और ईगो की ना धज्जियाँ उड़ जाती हैं जब आप देख रहे हो कि आपका पड़ोसी देख रहा है आपको कि आप जमीन में बैठे हुए हो और आप पड़ोसी के साथ खेलते हो बात करते हो उसको लगता है आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने करियर में uh, लोग क्या सोचेंगे आपके बाद में तो और भी दिए हजार भी दिया दो हजार भी दिया और आप मानेगा नहीं।, नहीं हम मतलब uh, कुछ ये एमसीडी का कोई रेट नहीं होता ये तो सबका वहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो जो वहाँ पे हॉकर होता है जो रेडी वाला होता है वो हर बार उसी जगह पे बैठता है अगर आपने नोटिस किया होगा तो उनका जगह फिक्स है क्योंकि उन्होंने पुश्तैनी से चल रहे हैं उनके बाप दादा ने वो ख़रीद लिया था वो स्पेस कुछ बेसिक सा पैसा देकर हम मंडे को सोम बाज़ार लगता था वसुंधरा गाज़ियाबाद में मंगल बाजार लगता था इंदिरापुरम में बुध बाज़ार लगता था पांडव नगर में दिल्ली में थर्सडे को हम जाते थे जनता फ्लैट दिल्ली में फ्राइडे को सेक्टर 71 नोएडा जाते थे सैटरडे को सेक्टर 76 नोएडा जाते थे और संडे को फिर वसुंधरा बैठते थे कुछ आपने ब्रोशर वगैरह बना रखे थे कुछ बैनर शैनर लगा रखे कुछ थे? नहीं बस एक छोटा सा हमने टाइप लगा रखा था जैसे मैं टी शर्ट पहनता हूँ इसी टाइप का टी शर्ट वहाँ पहनता था और थोड़ा सा बीच बीच में जो इंटेलेक्चुअल क्राउड आती थी उससे इंग्लिश में बात करता था डेमो देता था चश्मे के बारे में आईसाइट के बारे में बताता था थोड़ा अवेयरनेस करता था तो उनको लगा कि ये सही लोग हैं और हमने आप मानोगे नहीं हमने इंदिरापुरम में हाईएस्ट सेल चौबीस हज़ार का किया था एक दिन में एक दुकान में भी किसी दुकान वाला भी शायद इतना नहीं करता होगा एक दिन में लेकिन हमने चौबीस हज़ार वर्थ चश्मे बेचे थे एक दिन तो हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था लेकिन इट वॉज़ अ वेरी टफ फेज क्योंकि आपको डेली जाना था इट वॉज फिजिकली वेरी टायरिंग आपको बैठना है क्योंकि वो आदत नहीं तो इट वॉज़ वेरी फिजिकली टायरिंग एक्सपीरियंस क्योंकि मेंटली एंड फिजिकली बोथ क्योंकि हम लोग को आदत था एच सी एल विप्रो पे में इतने इंडिया के टॉप थ्री आई टी कंपनीज में आप काम करके आए हो आप दिन भर ए सी रूम में बैठे हुए हो और यहाँ पे आपको धूप में चार बजे बैठना है ज़मीन पर और लोगों को अपने चश्मे के बारे में बताना है और बेचना है सो इट वॉज इट वॉज अ वेरी टफ येट वेरी एक्साइटिंग जर्नी बगल में आलू वाला होता था इस तरफ प्याज वाला होता था और हम लोग बीच में थे और चश्मा बेच रहे थे तो इट वाज इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर अस अगर 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 वो वो फेज अगर हमने वो ठिया नहीं लगाया होता ना तो आज मैं आपके सामने नहीं बैठा होता सो so, और उससे मुझे एक सीख मिल गई कि यू शुड नेवर गिव अप क्योंकि बहुत सारे लोग शायद ये नहीं करेंगे बहुत हम्बली मैं बोलना चाहता हूँ कि यू शुड नेवर गिव अप अगर हमने उस समय गिव अप कर दिया होता तो शायद आज कंपनी इस लेवल पे नहीं होती आज हमने सौ से ज़्यादा दुकानें खोली हुई हैं तो इट वाज़ अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी और एक चीज़ सीख लिया कि आप ज़मीन से जुड़ के ना कुछ भी कर सकते हो बहुत अलग आइडिया था और यहाँ से मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया जब आप बता रहे थे मैं भी सोच रहा हूँ मैं ऐसी चीज़ करी जा सकती है मतलब अगर किसी का लोकल बिजनेस है और उसको लोकल मार्केटिंग करनी है तो पहले बाजारों को, को केटर किया जाए वहीं पे अपना प्रोडक्ट बेचा जाए और साथ में प्लेस कर दिया जाएगा कि भाई इस इस मार्केट इस दुकान में यहाँ पे हमारी दुकान है अगर आपको वापसी वापसी कभी कुछ कराना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं सबसे हो। सस्ता तरीका है मार्केटिंग करने का क्योंकि आप सोचो कि उस एक दिन कम से कम नहीं तो हज़ार फैमिलीज आ रही हैं काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और काफ़ी कुछ मुझे उसने सिखाया ठीक है मैं ट्राई करता हूँ इसकी इंटर्नशिप निकाल के <laughs> कोई चाहता है तो मुझे बताना कुछ करते हैं मतलब ट्राई करते हैं मैं यूट्यूब चैनल का प्रमोशन करेंगे एक क्योस लगाएंगे फ्री 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 ऐसे कुछ टाइप्स जैसे आलू वालू सब फ्री में मिल रहे होते हैं वैसे ऊपर फ्री दिखाएंगे और वहाँ पे कोई इंटर्न खड़ा होगा क्या उस देंगे उसको और उसको फिर एक्सप्लेन करना होगा हमारे बारे में देखते हैं क्या होता है बिल्कुल करिए क्या फायदा होगा। हाँ।, होगा। हाँ।, हाँ मतलब एटलीस्ट एक एरिया में तो अवेयरनेस हो जाएगी जैसे रोहिणी पकड़ा रोहिणी के अंदर एक हफ्ते के अंदर सात एक जगह पर बाजार लग रहे हैं तो पूरी रोहिणी के अंदर अगर मैं बात करके चलूँ तो मेरे को शायद सत्तर बाज़ार कैप्चर करते हैं एक हज़ार रुपये पर डे ऊपर से तीस चालीस क्या उसके खर्चे आ गए लाख रुपए में मैंने पूरा रोहिणी कैप्चर कर लिया बिल्कुल और हर बंदे हाँ और पूरे रोहिणी में हर बंदे को ब्रांड के बारे में पता है मतलब उन लोगों को जो कि एक्टिव है जो एक्टिव है उनको तो पता लग गया और फिर वो फैलाएगी भी अगर उनको कॉन्टेंट अच्छा लगेगा तो फिर भी कर सकते हैं बहुत बढ़िया आइडिया मेर, मेरा मैं यही कह रहा हूँ ना फाउंडर फिल्टर के मजे यही है कि बहुत सारे आइडियाज़ क्लिक कर जाते हैं ठीक है फिर उसके बाद क्या हुआ छह महीने तक ये किया उसके बाद भी एक कहानी है काफी इंस्पायरिंग कहानी है आप सबको सुन के बहुत अच्छा लगेगा ये कहानी है कि हमने कैसे अपना पहला रिटेल शॉप खोला ठीक है तो अभी तक आपका घर सही चल रहा था फिर उसके बाद वो दुकान बनाई जो घर से चल रहा था, उसके तो बाद एक ए, 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 एक छोटी शॉप हमने एक कमरे का ऑफिस तो हाँ, तो रहता था 4 बजे गाड़ी उठाता था सूटकेस भरता था चश्मों से और उसके बाद फिर पाँच बजे से लेकर रात के, के ग्यारह बजे तक अकेले या पार्टनर साहब कभी मैं बैठते थे कभी वो बैठते थे कभी हमारा स्टाफ बैठते थे लेकिन मैं मैं डेली होता था ठीक है फिर उसके बाद ये चल रहा था चल रहा था ऑनलाइन बढ़ रहा होगा धीरे धीरे ऑनलाइन धीरे धीरे बढ़ रहा था हम लोग का अवेयरनेस काफी बढ़ रहा था आ, रिपीट परचेज होने लग गए लोग पूछते थे कि आ, वो चश्मे वाले कहाँ हैं लोग आते थे कि आ, आप इस बार इस जगह क्योंकि हमारा कोई फिक्स स्लॉट तो था नहीं तो, तो, तो जब हम सोम बाजार में हम आज यहाँ पे हैं तो अगले सोम बाजार में हम यहाँ पे हैं तो लोग हमें ढूंढ के आते थे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोकेलिटी में एकदम फेमस हो चुके थे फिर लेकिन तब तक हमारी रिटेल का रिटेल का कोई प्रेजेंस नहीं था ड्यूरिंग दिस सिक्स मंथ्स ही हमारा रिटेल शॉप भी खुला वो एक कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ तो फॉर्चुनेटली एंड वेरी लकीली हुआ ये कि हमारा जो ऑफिस था वो एक कमरे का जिसका हम दस पंद्रह हजार रुपए किराए देते थे वो फर्स्ट फ्लोर पे था ग्राउंड फ्लोर में लकीली एक ऑप्टिकल शॉप खुल गई उसके जो ओनर थे उसका भी नाम सौरभ था तो ऐसी दोस्ती हो गई क्योंकि हम दोनों सेम प्रोफेशन में थे हम ऑनलाइन कर रहे थे काम वो रिटेल में कर रहे थे और ये कहाँ पे ऑफिस था वसुंधरा में मैं वसुंधरा में ही रहता हूँ अपने घर के पास अपने घर के पास ही वहीं से शुरू किया था आ, कुछ एम्प्लॉइज थे वो वहीं पे आते थे हम पूरा वहीं से ऑपरेट करते थे मेरे जो पार्टनर हैं वो भी वसुंधरा में ही रहते थे तो हम दोनों ने वसुंधरा से ही शुरू किया वहाँ पे हमें एक सस्ता सा जगह भी मिल गया फिर नीचे ऑप्टिकल शॉप खुली एक दो महीने में दोस्ती हुई फिर वैसे ही मैं आना जाना तो लगा रहता था दोस्ती हो गई अच्छी फिर वैसे ही जो ऑप्टिकल शॉप के ओनर हैं सौरभ वो ऐसे ही मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि यार मज़ा नहीं आ रहा है काम में एक्चुअली उनका ना अप्रैल का काम था उनको किसी ने बोल दिया चश्मे में बहुत पैसा है <laughs> चश्मे के बिज़नेस में आप चश्मे का शॉप खोल लो उन्होंने खोल लिया तो करीबन उन्होंने 10, 11, 12 लाख रुपए लगाए होंगे अब उनको चश्मे का कोई नॉलेज ही नहीं है तो वो चला ही नहीं पा रहे हैं अब वो देहरादून से थे तो वैसे भी वहाँ से अप डाउन करना और मैनेज करना बहुत टफ़ हो जाता है क्योंकि वहाँ पे उनके एपरल के शोरूम्स थे और कपड़ों का ही काम था पूरा अच्छा। उनको समझ में नहीं आने लग गया तो ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे तो उसने बोला कि यार सौरभ मैं ना सोच रहा हूँ बेच के निकल लूँ तो मैंने बोला कि आप बेचोगे आपको आपने दस लाख लगाए हैं कम से कम आ, कोई भी बंदा आपको छः सात लाख से ज़्यादा नहीं देगा तो आपको दो महीने के अंदर चार से पाँच लाख का नुकसान हो जाएगा तो आप ये क्यों करना चाह रहे हो आप ये शॉप मुझे दे दो मेरे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी था क्योंकि क्लियर देखो मैं, हमारे पास तो दस लाख रुपए नहीं थे और हम सिर्फ ऑनलाइन कर रहे थे तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला रिटेल में घुसने का और एक तरह से ठेले में बेच के आपको रिटेल का बेसिक आइडिया थोड़ा बहुत कस्टमर हैंडलिंग का आइडिया हो गया था हम लोग को और हमको सक्सेस मिल रहा था डेली हमारा सेल हो रहा था तो हमें समझ में आ रहा था कि देखो रिक्वायरमेंट तो है चश्मा तो हर किसी को चाहिए और सस्ता चश्मा और अच्छा चश्मा सबको चाहिए तो फिर उनसे बात हुई वो बोले कि मैं तुम्हें क्यों दे दूँ दुकान पैसे दो मुझे मैंने बोला पैसे तो है नहीं मेरे पास पर मैंने उनको एक बहुत अच्छा प्रपोजल दिया मैंने बोला कि और उस टाइम पे उनको क्या हो रहा था ना कि उनका जो किराया था वो करीबन 25000 था वहाँ पे एक स्टाफ था उसका सैलरी 25000 था और कुछ 25000 के एडिशनल खर्चे थे इलेक्ट्रिसिटी और कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट था तो कुल मिला के महीने का पचहत्तर हज़ार का खर्चा था अब जो सेल हो रही थी उनकी दो तीन महीने उन्होंने खुद चलाया तो पचास से ऊपर सेल हो नहीं रही थी तो उनको एवरी मंथ पच्चीस से तीस का नुकसान हो रहा था तो मैंने उनको एक ऑफ़र दिया जो वो रिफ़्यूज़ नहीं कर पाए मैंने बोला कि अगर नुकसान होगा तो नुकसान मैं भरूंगा और अगर फ़ायदा होगा तो आप रख लेना उस टाइम पे मैं ये नहीं सोच सकता था कि मेरे को फायदा होगा कि नुकसान होगा मुझे तो क्लियर देखो का नाम चाहिए था एक रिटेल आउटलेट पे hmm. और मेरे पास पैसा था नहीं तो उससे बेटर अपॉर्चुनिटी हमें मिल नहीं सकता था तो ही अग्रीड क्योंकि उनके लिए तीन चार लाख का नुकसान लेना से बेटर ये था कि एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसमें उनको नुकसान तो होगा ही नहीं क्योंकि अगर सेल कम होगी तो मैं अपने जेब से रेंट और सैलरी दे रहा हूँ उनको होगा तो फायदा होगा नहीं तो कुछ नहीं होगा तो ही कुडेंट रिफ्यूज दिस ऑफर प्रॉफिट पूरा दे रहे थे मतलब एग्रीमेंट हाँ, तो यही था और हम हम कुछ कर नहीं सकते थे ना मेरे लिए मुझे तो एक दुकान खोलना था तो क्योंकि क्योंकि ऑनलाइन में प्रॉफिट नहीं निकल रहा था जो हम ठिया से कमा रहे थे वो हम वापस सैलरी और रेंट में दे रहे थे तो एक्चुअली काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था तो ये अपॉर्चुनिटी मिला मैंने उनको प्रपोज किया वो मान गए और दुकान में जो स्टाफ था उसके साथ मैं भी बैठ गया अब जब बैठ गया तो किसी भी कस्टमर को खाली यहाँ जाने नहीं देना है तो नाम चेंज किया क्लियर देखो और ड्रेस पहनाया स्टाफ को और चश्मे बेचना शुरू कर दिए तो पहले मंथ पचास हज़ार की सेल हुई नुकसान हुआ वो दिया हमने अपने जेब से सौरभ भाई को उसके बाद फिर अगले मंथ थोड़ा सा सेल बढ़ा सत्तर पचहत्तर बढ़ा पाँच दस हज़ार का नुकसान हुआ वो भी दिया तीसरे मंथ से करीबन एक लाख का बिजनेस हम करने लग गए वहाँ से प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट देने लग गए उनको वो भी खुश लड़के ही ऑपरेट कर रहे थे आप आप नहीं बैठते थे वहाँ पे। मैं भी वहाँ पे बैठता था थोड़ा टाइम देता था मैं क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था नहीं। हमारे पास एक तो पैसा नहीं था कि हमें हम जेब से रेंट दें तो मुझे तो कम से कम ब्रेक इवेंट तो निकालना ही था तो वहाँ पर तो आ, स्टाफ बैठा हुआ था क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं जो जो वहाँ पे थे और वहाँ पे मैं भी था और कस्टमर रेफरल भी करते थे ठिया पे जब मार्केटिंग करते थे या बोलते थे कि अगर उनको आई चेकअप करना है तो हम स्टोर पे भेजते थे तो काफ़ी ये सब एक्टिविटीज़ कर रहे थे तो वसुंधरा वसुंधरा में ही शॉप था हमारा और वसुंधरा में हमारा ठिया भी लग रहा था तो काफ़ी नाम हो गया था तो सेल बढ़ गई हमारी सेल बढ़ गई तो जो ओनर थे वो भी खुश हो गए हम भी खुश हो गए कि जेब से कुछ नहीं जा रहा और एक एक आउटलेट खुल गया फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे जयपुर में पता चला कि एक दुकान बंद होने वाली है। किसी और की किसी और और ये कैसे पता इसी के थ्रू पता लग गया आप जानकार बनी गए थे हमारे सबको पता था कुछ लोग को पता चल गया था कि हम ऑप्टिकल का, का काम कर रहे हैं तो मुझे पता चला मैं जयपुर चला गया सेम ऑफर दे दिया मैंने कि अगर नुकसान हुआ तो मेरा फ़ायदा हुआ तो आप रख लेना दूसरी दुकान मिल गई फिर उसके बाद मेरे को एक कॉल आया सौरभ जी मैं क्लियर देखो का फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ ट्रस्ट करिए फ्रेंचाइजी वर्ड सिर्फ मैंने अपने एम क्लासेस में पढ़े थे मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था इसका लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज था बिजनेस करके तो मैंने उनको बोला कि ठीक है हम फ्रेंचाइजी देते हैं ऐसे ही बोल दिया मैंने उससे बोला कितने का फ्रेंचाइजी है मैंने बोलिए दस लाख का उसने बोला ठीक है मुझे आपसे मिलना है मैं उनसे मिला और ऐसे हमारी पहली दुकान खुली हरिद्वार में फ्रेंचाइजी आउटलेट जिसमें फ्रेंचाइजी फ़ीस हमने एक लाख रुपये चार्ज किया था और टोटल दस लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट लगा और वो पहली दुकान हमारी किसी ने ब्रांड को फीस दी बहुत छोटा सा अमाउंट है एक लाख रुपए लेकिन उस टाइम पे हमारे लिए वो पहली कमाई थी ब्रांड फीस था वो कोई क्लियर देखो का नाम लेने के लिए आपको एक लाख रुपए और नौ लाख रुपए कहाँ डाले लेते नौ लाख रुपए से इक्विपमेंट आए लकड़ी का काम हुआ स्टॉक आया फ्रेम सन ग्लासेस कॉन्टेक्ट लेंसेज इंटरनल ब्रांडिंग हुई काफी चीजें हुई मार्केटिंग में गया तो ये सब हमारा पूरा खर्चा हुआ तो वो तो हमारा पहला फ्रेंचाइजी स्टोर तो उनके साथ था। था। भी यही मॉडल था कि जो प्रॉफिट होगा वो आपका नहीं उसमें फिर हम लोग ने एक आ, था कि हमारा पंद्रह परसेंट हमारा कमीशन होगा तो जितना भी सेल होगा मान लीजिए दो लाख रुपए का सेल हुआ तो पंद्रह परसेंट हम रख लेंगे विच इज थर्टी थाउजेंड रुपीज जो एक सत्तर होगा वो फ्रेंचाइजी को मिल जाएगा उस एक सत्तर से रेंट जाएगा सैलरी जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स जाएगा जो लागत है और जो बच गया वो आपका प्रॉफिट है तो जो प्राइस जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे प्रोडक्ट का सोर्सिंग हम कर रहे हैं हर प्रोडक्ट क्लियर देखो का है प्लस हमारे पास कुछ दूसरे ब्रांड्स भी हैं ठीक है तो जितनी आपकी वेबसाइट में मिल रहा है उतने का रेट उनको मिल रहा है जी रेट सेम है रेट सेम है हमारे वेबसाइट में बहुत सारे सेलर्स अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है वो सेम प्रोडक्ट हमारे स्टोर पे ना हो लेकिन स्टोर पर क्लियर देखो के प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे दूसरे भी मल्टी ब्रांड आउटलेट तो वहां पे आपको क्लियर देखोगा अफोर्डेबल रेंज भी मिलेगा जो लेट से 100-200 रुपए से फ्रेम शुरू हो जाते हैं वो भी आपको मिलेगा एंड इट विल गो एज हाई एज हजार पंद्रह सौ तक और उसके बाद आपको कुछ दूसरे ब्रांड्स भी मिलेंगे जो थोड़े से और प्रीमियम हैं जैसे आपको रेबैन भी मिल जाएगा कुछ ऐसे जगह पे जहां पे उसकी डिमांड है बहुत सारे जगह बहुत सारे स्टोर्स हमारे टीयर टू टीयर थ्री टीयर फोर टीयर फाइव टाउन्स में हैं तो वहाँ पे आपको ये प्रीमियम ब्रांड्स नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ जो मेट्रोज में हैं और कुछ स्टेट कैपिटल्स में हैं वहाँ पे आपको हो सकता है प्रीमियम ब्रांड्स भी मिल जाए तो हम वहाँ का जो जेंट्री है वहाँ का जो डेमोग्राफिक्स है उसके बेसिस पे हम स्टॉक डिप्लॉय करते हैं ठीक है मैं थोड़ा समझना चाहूँगा इसको मॉडल को जैसे एग्जांपल के लिए मुझे फ्रेंचाइजी चाहिए आपसे जी तो मैंने आपसे मैं पूरा मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं उनकी बात नहीं कर रहा अभी की बात कर रहा हूँ जो भी करंट स्टेज में है तो मुझे फ्रेंचाइजी चाहिए मैं आपके पास गया तो अब पहली बात लोकेशन का कैसे रहेगा लोकेशन मेरी आप दोगे मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ हमारा जो फ्रेंचाइजी है वो बारह लाख रुपये का है बारह लाख प्लस जी एस तो टी उलेट से एक इन्वेस्टर बिहार से आता है वो बोलता है कि सौरभ जी मुझे आपका फ़्रेंचाइजी लेना है द ब्यूटी अबाउट आर फ्रेंचाइजी मॉडल इज की इट इज अ फोको मॉडल फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड इसका ये मतलब है आपको डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है आप सिर्फ एक ओनर हो आपने मुझे बारह लाख रुपये दिया अब मैं एक महीने में आपका दुकान बनाऊंगा और उसके बाद बनने के बाद मैं ही चलाऊंगा आपको इन्वॉल्व ही नहीं होना है डे टू डे ऑपरेशंस में तो अगर आपका अपना बिज़नेस है आप वो करते रहिए अगर आप कहीं पे काम करते हैं किसी आईटी कंपनी में काम करते हैं या किसी दूसरे जगह सर्विस करते हैं या गवर्नमेंट नौकरी है आपका तो आप वहाँ पर जाइए आपको दुकान में आने की भी ज़रूरत नहीं है हम आपको एक सेल्स का लॉग दे देंगे जिसमें से आप रियल टाइम बेसिस पे सेल्स चेक कर सकते हैं जैसे हम इंटरनेट बैंकिंग में अपना रियल टाइम अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं उसी तरह आपको दिख जाएगा कि कौन सा ऑर्डर आया है कितने बजे आया है क्या कस्टमर का नाम है कौन सा प्रोडक्ट बिका है वो सारा एक सॉफ्टवेयर का आपको लॉग मिल जाएगा जिससे आपको रियल टाइम बेसिस पे आप सेल्स चेक कर सकते हैं और दूसरा आपको सी का एक्सेस मिल जाएगा तो आपको आने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल में आपको ऐप दे देंगे उससे आप देख सकते हैं कि आपकी दुकान खुली हुई है और वहाँ पर सेल हो रहा है आपको डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट ऑफ आर फ्रेंचाइजी बहुत सारे दूसरे फ्रेंचाइजी हैं मार्केट में जिसमें आपको ऑपरेशनली इन्वॉल्व होना पड़ता है आपको डेली जाना पड़ता है बहुत चीजें करना पड़ता है एक्टिव होना पड़ता है आपको कुछ नहीं करना है सेल्स मार्केटिंग फिटिंग ऑपरेशन सब क्लियर देखो करेगा ठीक है मैंने बारह लाख दिया आपको मैं दिल्ली में रहता हूँ अब दिल्ली के अंदर कोई रोहिणी के अंदर मान के चलते हैं आपका आउटलेट नहीं है तो मैंने आपको कहा कि रोहिणोलना चाहूँ मैं रोहिणी में नहीं खोलूँगा क्योंकि रोहिणी में ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड और प्रीमियम प्लेयर्स बैठे हुए हैं और रोहिणी में जो जो पर कैपिटा इनकम है वो भी थोड़ा सा हाई है रोहिणी थोड़ा पॉश एरिया है रोहिणी में परचे पावर हाई है तो रोहिणी इज नॉट द मार्केट फॉर अस तो हम हम जहांगीरपुरी साइड चलेगा जहाँ एग्जैक्टली exactly. तो डेली एनसीआर में भी कुछ टीयर थ्री टीयर फोर पॉकेट होंगे अब मान के चलते आप जहांगीरपुरी में आपने लोकेशन ढूंढी अब लोकेशन आप ढूंढ रहे हो लोकेशन हम ढूंढ रहे हैं और रेंट जो होता है वो करीबन पंद्रह हजार से लेके पच्चीस हजार तक रेंट होता है तो हम करीबन एक हफ्ता लेंगे टीम जाएगी

Uh, अपना काम अपना सर्विस का मैं पंद्रह परसेंट ले रहा हूँ लेकिन क्योंकि हम इतने टाइम से कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टोर्स आर प्रॉफिटेबल और थोड़ा सा आपको दो तीन महीना चार महीना लगता है ब्रेक इवन आने में तो आप समझिए थोड़ा सा आपको वर्किंग कैपिटल और रखना है तो बारह लाख आपने दिया है आप एक लाख और रखिए क्योंकि हो सकता है तीन महीने लगे स्टोर को ब्रेक इवन आने में अभी खर्चे क्या क्या है मेरे मंथली अगर हम बांध के चले पच्चीस हजार रुपये तो मेरा रेंट हो गया मान के चलते हैं बीस पच्चीस हज़ार रुपये का कोई जो बैठेगा हाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है वो बीस पच्चीस हजार लेगा आपका रेंट करीबन पंद्रह से पच्चीस हज़ार हो जाएगा फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा पाँच से दस हज़ार और उसके ऊपर आपका लागत आएगा जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स तो जो गुड्स हैं गुड्स हमारे हैं फ्रेम्स सन ग्लासेस कॉन्टैक्ट लेंसेज उनका जो ख़रीद है वो आपका एक एडिशनल कॉस्ट है तो ये सब जो है ये सब इज योर ऑपरेशनल एक्सपेंस और तो आसान भाषा में अगर मैं आपको थोड़े से कैलकुलेशन करके बताऊं तो लेट्स आप मान लीजिए कि सेल अपना दो लाख का है ठीक है दो लाख में पंद्रह परसेंट हमारा कमीशन है वो तीस हज़ार हो गया ठीक है अब पच्चीस हज़ार का रेंट हो गया पच्चीस हज़ार का आपका क्या कहते हैं सैलरी हो गई पच्चीस हज़ार एक ही की जरूरत है या और की भी जरूरत है हमारा ढाई सौ स्क्वेयर फीट का स्टोर होता है और डेली हम फुटफॉल दस से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि ये नीड बेस्ड प्रोडक्ट है यहाँ पे कोई विंडो शॉपिंग करने नहीं आता है जिसको ज़रूरत है वही आएगा ऐसा ही कोई नहीं आएगा तो आप समझिए कि एक दिन में पाँच से दस का फुटफॉल ही होता है एक ही स्टाफ है उसका पच्चीस सैलरी है और दस हज़ार का बिजली और मिसलिनियस पकड़ लीजिए फोर्टी परसेंट आप कॉग्स पकड़ लीजिए विच इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ये टोटल मिला के करीबन डेढ़ लाख रुपए के खर्चे हो जाते हैं तो आपको पचास हजार का प्योर प्रॉफिट है इफ द सेल इज टू लाख रुपीज़ अगर सेल थोड़ा सा कम है डेढ़ लाख है तो आपको बीस पच्चीस हजार रुपये प्रॉफिट होगा अगर एक लाख रुपए का सेल है तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में आप जाएंगे तो आपका जो स्टार्टिंग होगा स्टार्टिंग के तीन महीने हो सकता है आपका सेल सत्तर हजार हो अस्सी हजार हो थोड़ा सा कम हो लेकिन तीन चार महीने में वो एक लाख तक पहुंचेगा और उसके बाद एक साल के एंड में वो दो लाख तक पहुंचेगा एक लाख की सेल का मतलब हो गया हमारा तीन हज़ार रुपये तीन तैंतीस सौ रुपये पर डे हो गया तीस दिन अगर पाँच सौ रुपये का एवरेज चश्मा बेच रहे हैं तो हमको छः चश्मे बेच हाँ लेकिन क्योंकि पाँच सौ रुपये से हमारा स्टार्टिंग है लेकिन हम हम हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और जो हमारे जो सेल्स पर्सन है वो काफ़ी स्मार्ट है वो लोग जब आप आते हैं एज अ कस्टमर तो उनको अपसेल करता है बहुत सारे वराइटीज़ भी दिखाता है तो हमारा जो एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो पंद्रह के करीब होता है तो आपको अगर आपको दो तीन ऑर्डर चाहिए तो आपका एक लाख रुपए पहुंच so जाएगा तो ये फ्रेंचाइजी है लेकिन आपको कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होना है दिस इज द ब्यूटी ऑफ अबाउट आर बिजनेस मॉडल ठीक है तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ लगी जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे आपका चश्मा चाहिए चुछ आपकी वेबसाइट पर पाँच सौ का मिल रहा है उस बंदा भी पाँच सौ का दे रहा है वो बंदा भी पाँच सौ रुपये का दोनों में प्राइसिंग सेम है पर मुझे तो लॉजिकली अगर मैं अपनी दुकान से बेच रहा हूँ तो मुझे तो लॉस हो रहा है क्योंकि पैसे आपके पास जा रहे हैं मान लीजिए आपका आँख खराब है आपको पावर है तो आप क्या करेंगे आई टेस्ट तो कराएंगे आई टेस्ट कहाँ से कराएंगे या तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे या तो आप ऑप्टिकल शॉप में जाएंगे तो जब आप ऑप्टिकल शॉप में जाते हैं उसी समय वो आपको चश्मा बेचेगा जो वेबसाइट है आज भी अगर दिन में सौ चश्मे बिक रहे हैं तो आप समझिए कि 100 में से 90 चश्मे रिटेल आउटलेट से ही बिक रहे हैं सिर्फ 10 परसेंट ही चश्मे ऑनलाइन बिक रहे हैं तो कभी फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी वेबसाइट पे ऑफर चल रहा है तो उसके लिए भी वो ऑफर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा फ्रेंचाइजी वाले के लिए वेबसाइट के ऑफर्स और रिटेल के ऑफर्स सेम होते हैं अच्छा ठीक है बस तो, मेरे को ये कन्फ्यूजन थी एक दूसरे के बिजनेस को कैनिबलाइज नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हमारा ऑनलाइन में सस्ता है इनफैक्ट हम रिटेल में ही जैसे अभी हमारे अगर आप अभी हमारे शॉप में जाएंगे अभी हम उ... अक्टूबर 2021 की बात कर रहे हैं अभी अगर आप हमारे शॉप में जाएंगे तो अगर आप 2000 का शॉपिंग करते हैं तो आपको पांच सौ रुपए का मोबीक्विक कैशबैक है अगर आप 3000 का शॉपिंग करते हो तो एक हजार रुपए का पेटीएम कैशबैक है ये दोनों ऑफर वेबसाइट पर नहीं चल रहा है क्योंकि हम रिटेल को प्रमोट करना चाहते हैं वी आर अ रिटेल फर्स्ट कंपनी हमारा जो ऑनलाइन प्रेजेंस है है हम एमेजन में भी हैं हम फ्लिपकार्ट में भी हैं हमारा अपना वेबसाइट भी है लेकिन हमारा मेन फोकस रिटेल है वी वांट टू ओपन 1000 स्टोर्स इन नेक्स्ट थ्री इयर्स अभी कितने तक पहुंच गए हो अभी हम सौ से ऊपर खोल चुके हैं ठीक है अगर हरिद्वार वाले की बात करके चलूँ पहला फ्रेंचाइजी आया उसके बाद अगला कब आया बस उसके बाद से ये कार्यक्रम शुरू हो गया हरिद्वार आया उसके बाद दिल्ली में कुछ खुले उसके बाद राजस्थान में कुछ खुले अपने आप इन हो रहा था या फिर, फिर आपको पता लगा यार हमारे ब्रांड के वैल्यू क्रिएट हो चुकी है अब हम इस बात को मार्केट कर सकते हैं ताकि फ्रेंचाइजी आए या फिर अपने आप ही दो, दोनों चीज़ें हैं रेफरल तो आने शुरू हो ही गए थे आ, क्योंकि हमारे तीन चार पाँच दुकानें खुल गए थे उस बुद्ध कुछ लोगों ने जिन्होंने एक दुकान लिया जब उनको प्रॉफिट हुआ तो सेम इन्वेस्टर ने दूसरी दुकान भी डाली ऐसा भी हुआ कुछ इनबाउंड क्वायरीज आने लग गए फिर हम लोग ने डिजिटल मार्केटिंग हमने शुरू किया जिसके वजह से लीड्स हमारे बढ़े मैंने ट्रैवलिंग बहुत शुरू किया बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किए बहुत फोरम्स में जाके आ, अपने बारे में बताया मैंने एक कंपनी के बारे में बताया तो धीरे धीरे करते करते हम लोग आज सौ से ऊपर खोल चुके हैं और कितनी सिटीज़ के अंदर हो हम लोग अराउंड फोर्टी सिटीज़ हैं उससे ऊपर हैं फोर्टी सिटीज से ऊपर है एंड एज वी स्पीक अब uh, इस मंथ हम लोग uh, अभी सात दिन बचे हुए हैं मंथ का एंड वी आर वी आर प्लानिंग टू टच ट्वेंटी मतलब वी आर प्लानिंग टू ओपन ट्वेंटी स्टोर्स विद इन दिस मंथ सेल्फ अक्टूबर अक्टूबर में तो हम लोग 40 से ज्यादा सिटीज में हैं और करीबन 15-17 स्टेट्स में हैं अभी काफी चल रहा है बीच में फंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ी या ली उसके बाद उसके बाद आया वो 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 में आपको मैंने बताया कि नौ लाख रुपए आए थे उसके बाद फिर फिर क्रेडिबल इन्वेस्टर्स जुड़ते गए जुड़ते छह महीने बाद आ गया जब रेडी पे बेच रहे थे हाँ। उसके बाद, बाद जब, जब आउटलेट खोला अपना पहला उस हाँ। उस टाइम पे उस टाइम पे नहीं जब दो तीन आउटलेट खोल दिए अच्छा, अच्छा जब आपने फ्रेंचाइजी शुरू कर दी उसके बाद में जब हमने अपना रिटेल का प्रेजेंस शुरू किया जब हमारे 10 15 20 दुकानें हो गई उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट राउंड रेस किया उसके बाद फिर जब करीबन पचास दुकानें हो गई तब हमने फिर से नेक्स्ट राउंड रेस किया और ये सारा जो पैसा आ रहा था ये अभी ये फ्यूल कर रहा था नए फ्रेंचाइजी बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन uh, में जा रहा था मार्केटिंग में जा रहा था हमने अच्छे लोगों को हायर किया टेक्नोलॉजी okay. uh, में इन्वेस्ट किया ऑपरेशंस में इन्वेस्ट किया uh, अपने खुद के प्रोडक्ट रेंज उसके बाद निकाली या उससे पहले निकाली uh, जब पैसा आया उसके बाद फिर हमने प्रोक्योरमेंट में भी इन्वेस्ट किया तो okay. आज हमारे अग, अगर आप वेयर हाउस में जाएंगे तो अच्छा खासा आपको स्टॉक uh, दिखेगा उसके बाद क्या सर स्केल किया मतलब मैं अगर ये मान के चल रहा हूँ मैं पहला राउंड रेस किया कुछ आउटलेट्स खोले पैसा आया मार्केटिंग करी फिर कुछ आउटलेट्स खोले फिर मार्केटिंग करी इसके बीच में कुछ चैलेंजेस नहीं आ रहे थे या बस जैसे आपने बताया बस आए गए हमने खोले गए और चले गए बीच में कुछ चैलेंजेस तो रियलिटी तो कुछ और होगी ना देखिए चैलेंजेस तो डे इन डे आउट आए आज भी हम सौ से ज्यादा दुकानें खोल चुके हैं पर चैलेंजेस की कमी आज भी नहीं है चैलेंजेस तो बड़े मेजर तो। चैलेंजेस क्या थे आई थिंक वो मेजर चैलेंजेस कस्टमर को टाइमली डिलीवरी करना इज अ मेजर चैलेंज क्योंकि आज के टाइम पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन से बढ़ के कुछ भी चीज़ नहीं है आप चाहे आपके सौ दुकानें हो जाएँ चाहे आपके एक हज़ार दुकानें हो जाएँ अगर आपका कस्टमर खुश नहीं है तो आपका बिज़नेस नहीं बढ़ेगा आपके फ्रेंचाइजी खुश नहीं है तो आपका बिज़नेस नहीं बढ़ेगा तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कस्टमर जो है वो सेटिसफाइड है तो हम लोग ने काफ़ी ऑपरेशनली काफ़ी नए सिस्टम्स लाए काफ़ी हम लोग नए प्रोसेस लाएँ हम लोग ने ऑटोमेटिक मशीन्स लिए जिससे हमारा जो चश्मा जो फिट करके बनता है जो 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 लेंस होता है वो सर्कुलर लेंस आता है फिर उसको चश्मे के शेप में उसे कट किया जाता है सो so, उसे आप मैनअली भी कट कर सकते हैं हाथ से उसके लिए ऑटोमेटिक मशीन्स भी आते हैं जिससे कट करते हो तो हमने वो ऑटोमेटिक मशीनस खरीदे ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस और अच्छा हो कस्टमर केयर बैठा है कि अगर किसी कस्टमर को दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये चश्मे का लाइन है इसमें अगर आप सौ लोग को चश्मा देंगे तो दस लोग को प्रॉब्लम होंगी ये ये डॉक्टर का प्रोफेशन है डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा अगर दस लोग को तो जरूरी नहीं कि दस के दस ठीक हो जाएंगे जादू नहीं है आठ ही ठीक होंगे दो लोग को फिर भी तबीयत खराब रहेगी उसी तरह चश्मे का लाइन भी ऐसा ही मेडिकल लाइन है जिसमें यू के नॉट सेटिसफाई हंड्रेड परसेंट ऑफ़ योर कस्टमर्स लेकिन हमारा कोशिश यही रहता है कि हम हंड्रेड परसेंट कस्टमर्स को सैट्सफाई करें उनको अच्छी सर्विस दें अच्छा प्रोडक्ट दें और अगर उनके कोई भी इशूज़ हैं तो उनको हम एड्रेस करें इशूज़ आई बहुत सारी इशूज़ आई फ़ंड्स क्रंच हमेशा रहते हैं कोई स्टोर हमारे कुछ स्टोर बंद भी हुए कोविड का टाइम थोड़ा सा क्रिटिकल था बट आई कैन प्राउडली से कि हमने दोनों कोविड को सरपास किए हमने एक भी स्टाफ को हटाया नहीं थोड़ा सा हम लोग ने सैलरी कट्स किए थे लेकिन वी मेड इट अ पॉइंट कि हम किसी को भी नहीं हटाएं बिकॉज वी वॉन्टेड टू बिल्ड द राइट कल्चर सो टफ़ टाइम्स आए बट वी आर रफ फॉर इट एंड फ्यूचर में भी अगर कुछ होगा तो आई एम श्योर की वी एल एबल टू सेल थ्रू ठीक है बहुत कुछ सीखने को मिला तो अब हम आ रहे हैं अपने रैपिड फायर की तरफ रैपिड फायर में बेसिकली क्या होगा बैक टू बैक क्वेश्चन हो गए आपसे कि आपने ये कैसे किया ये कैसे किया आप इसके बारे में क्या चुनते हो सीधा टू चाहिए मुझे एंड्रॉइड और आई यूएस एंड्रॉइड फंडिंग और बूस्ट एप वी आर फंडेड आपका क्या इंटरेस्ट है एंजर और वेंचर वेंचर डेट और इक्विटी इक्विटी फैमिली और बिजनेस वेरी टफ चॉइस अभी बिजनेस बिकॉज फैमिली इज वेरी सपोर्ट फेम और मनी

so I would like to have a large team which is catering to the entire country B2B or b2c और बी टू सी बी टू सी बेसिकली बी टू बी भी है आपका एक तरह से hamara थोड़ा सा पूरा aur हमारा hum टू है yeah. और क्योंकि हम कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं तो एक्चुअली हम बी टू बी टू सी हम फ्रेंचाइजी को बेच रहे हैं फ्रेंचाइजी कस्टमर को बेच रहे हैं पर आपको मज़ा बी टू सी में देखिए मजा उसी में है क्योंकि कस्टमर अगर क्लियर देखो का है yeah. तो यू डोंट हैरी अबाउट एनीथिंग कस्टमर जीतना है

जो अभी रिकॉल आए जैसे आप चीट डे की बात कर रहे हो जैसे अचानक ही भूख लग जाती है सो so, एक आसाम भवन में एक बहुत अच्छा नॉनवेज देता है mm -hmm. एक छोटा सा आ, खोल के बैठता है वो आई रियली लाइक दैट इट इज इट इज़ आउटसाइड एग्जैक्टली आउटसाइड आसाम भवन कभी भी आप रात में जाइए mm -hmm. वो बहुत अच्छा मटन के कबाब देता है ट्राई दैट फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ टॉट आई थिंक बोथ आर इम्पोर्टेंट आज जो भी थोड़ा बहुत वॉट आई बिलीव माई एजुकेशन हैज़ प्लेड ए इम्पॉर्टेंट रोल प्लस जो मेरा पाँच साल का जर्नी रहा है दैट हैज़ ऑबियसली टॉट मी इमेंस मेरे को कैसे फेलियर्स को ओवरकम करके आगे बढ़ना है आई हैव ओनली लर्न फ्रॉम रनिंग क्लियर देखो एंड ऑल्सो प्रायर टू दैट वेन आई वॉज वर्किंग विथ द टॉप आई टी फर्म्स ऑफ इंडिया वहाँ पर भी जो उन्होंने मुझे प्रोफेशनल इन्वायरमेंट दिया दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग मी सो आई थिंक अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट परफेक्ट हॉलीडे की डेफिनेशन क्या आपके लिए आई थिंक uh, मेरे लिए परफेक्ट uh, हॉलीडे होगा वन आई एम अवे फ्राम पीपल आई जस्ट हैव फैमिली मे बी अ आईलैंड सो मुझे याद है कि फ्यू ईयर्स बैक आई वॉज इन मॉल डिवस एंड दैट वॉज वेरी क्वाइट प्लेस सीनिक ब्यूटी अगर मैं उसको कंपेयर करूँ उत्तराखंड से तो अभी जिम कॉर्बिट जब गया था तो एक uh, बहुत अच्छे रिजॉर्ट में रुका था मैं आई थिंक इन्फिनीटी नाम है उसका एंड uh, हम लोग नीचे गए थे uh, रिजॉर्ट के जस्ट सामने फ्लोइंग वाटर है एंड वी यूज टू स्पेंड आर एंड आर देयर विथ नेचर विथ कोल्ड वाटर हिटिंग यू सो आई थिंक आई थिंक सीनिक ब्यूटी विथ लेस पीपल इज़ एंड विथ माई फैमिली इज़ आइडियल फॉर मी डेस्टिनी बिलीवर ऑफ री चॉइस आई ओनली बिलीव इन वन थिंग विच इज़ पावर ऑफ माइंड अगर आपने सोच लिया कोई चीज़ तो आपको उस ऑबियसली यू हैव टू वर्क फॉर इट बट देर इज एब्सोलूटली नो क्वेश्चन की आप वो चीज़ नहीं अचीव करोगे अगर आपने सोच लिया है क्या होता वो भी लिखा हो तो आई डो नॉट बिलीव इन डेस्टिनी आई बिलीव इन पावर ऑफ माइंड बिकॉज मेरे साथ जो मेरे एक्सपीरियंसेज हैं उसमें आई हैव हैड अ लॉट ऑफ फेलियर्स इन माई पास्ट बट आई बिलीव कि जब मैंने कोई चीज़ ठान ली है हाँ हो सकता है मुझे हो सकता है किसी को वो चीज़ एक साल में मिल जाए मुझे दस साल में मिल जाए किसी को तीस साल में मिल जाए लेकिन कोई चीज़ मैंने ठान लिया है और उसके तरफ मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे वो आज नहीं तो कल वो रिज़ल्ट मिलेगा जो मैं चाह रहा हूँ हॉबी क्या आपकी आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट सबसे पहले थैंक यू बहुत मजा आया बहुत कुछ सीखने को मिला तो फाइनली हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे हमारी ऑडियंस ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं या फिर करेंटली बिजनेस कर रहे हैं आई एव हैड अ फेयर अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस आई एव हैड माय हाईज़ एंड लोज सक्सेस भी मिला है फेलियर्स भी मिला है uh... जब मैंने स्टार्टिंग किया तो मेरा जो जॉब वाला टाइम था उसमें आई हैड माय शेयर ऑफ स्ट्रगल्स उसके बाद जब मैंने क्लियर देखो शुरू किया वो भी काफ़ी स्ट्रगलिंग फेस था आज हम इतने मेहनत से वी आर कम्प्लीटिंग फाइव इयर्स एंड यहाँ पे हम पहुँचे एंड देर इज अ लॉन्ग वे टू गो सो देर आर अ लॉट ऑफ लर्निंग्स आई आई हैव गॉट फ्राम ऑल दीज एक्सपीरियंसिस सबसे पहला है जो मेरा सेल्फ लर्निंग है विच इज़ आई हैव ऑलवेज बीन अ एवरेज स्टूडेंट एवरेज परफॉर्मर सो लोग बोलते हैं कि एवरेज नहीं होना चाहिए यू शुड बी अ स्कॉलर यू शुड बी अ ग्रेट परफॉर्मर तो ऐसा कुछ नहीं है यार इट्स इट्स गुड टू बी एवरेज इन फैक्ट मैं ये बोलूँगा कि टॉपर से बेटर है वो एवरेज वाला बंदा आज मेरे कंपनी में देर आर लॉट ऑफ आई आई टीज एंड आई एम्स हु वर्क अंडर मी एंड इट वॉज माई ड्रीम कि मैं आई आई टी आई एम से पढ़ूँ लेकिन यू विल नॉट बिलीव आई नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई नेवर गॉट दोज गुड मार्क्स बट मुझे I have given lectures in IAMs, I have given lectures in IIT, which is a very proud moment for, for, for me and my family. So dreams come true, and uh, it's good to be average. So if you are an average student, if you are an average performer, you should be happy that you are average because average people will hire talented people under them. This is learning number one. Uh, the second learning is key, you should never quit. बिकॉज uh, आपको नहीं पता कि कब वो आपको आपका जो वो शॉट है वो छक्के की तरफ जाएगा यू डोंट नो हम हम क्रिकेट इतना देखते हैं वी सी कि कितने सारे मैचेस जीता हुआ मैच हार जाते हैं हारा हुआ मैच जीत जाते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लास्ट तक जाओ जैसे धोनी ले जाता है लास्ट बॉल तक जाओ और यू नेवर नो गिव इट योर बेस्ट शॉट एंड डोंट क्विट यू नेवर नो वॉट विल वर्क फॉर यू थर्ड एंड द फाइनल लर्निंग फ्रॉम माई साइड वुड बी की आई एम अूज बिलीवर ऑफ पावर ऑफ माइंड आई एम अज बिलीवर ऑफ कर्मा सो जस्ट एन श्योर कि जो भी आप काम कर रहे हो आप फुल मेहनत से कर रहे हो फुल डेडिकेशन से फुल पैशन से कर रहे हो बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अनैथिकल इफ़ यू आर कंसिस्टेंट इफ यू आर डेडिकेटेड इफ़ यू हैव योर फुल हार्ट इन टू द वर्क इट विल गिव यू रिजल्ट प्लीज डोंट कंपेयर विद अदर पीपल हो सकता है किसी को सक्सेस एक साल में मिले किसी को दस साल में मिले किसी को सौ साल में मिले आपको सक्सेस मिलेगा तो कभी भी कंपेयर मत करो आई गो टू मैनी कॉलेजेस साहिल तो मैं उसमें देखता हूँ कि धीरे लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो आ, किसी का सैलरी दो लाख का लगता है किसी का चार लाख का लगता है तो दो लाख वाला उससे थोड़ा सा वो फील करता है कि यार उसका सैलरी ज़्यादा है यू नेवर नो वो दो लाख वाला बंदा कब बीस लाख का पहुँचे बीस लाख में पहुँच जाएगा और पाँच लाख वाला बंदा दस लाख के बाद कर ही नहीं पाएगा सो so, uh, What is important is to keep gaining knowledge, keep doing your hard work. Because ये जो जर्नी है ये साठ साल का जर्नी है This is not a टू year journey or a फोर year journey जो लोग कॉलेज में I am sure बहुत ऑल मैनी ऑफ यू आर स्टूडेंट्स जो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप लोग ने नया नया अपना कुछ बिजनेस शुरू किया है या फिर आप नया नया किसी uh, कोई कोर्स कर रहे हो या अपना जॉब कर रहे हो सो डोंट कम्पेयर विथ योर पियर हो सकता है वो आपसे आज आगे हो पर कल आप उसे दस गुना आगे हो सकते हो सो आई थिंक दीज वर द लेसन्स फ्रॉम माई साइड एंड इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट टाइम स्पेंड विथ यू साहिल एंड थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हेयर यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब यू आर अ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड या लुक फॉर्वड टू योर अपकमिंग वीडियोज एंड आई विश यू गुड हेल्थ सक्सेस एंड ऑल हैप्पीनेस थैंक यू पहले तो बहुत अच्छा लगा बहुत कुछ मजा आया सभी को मजा आया और कमेंट में बताना आपका बेस्ट पार्ट कौन सा था इस वीडियो के अंदर बाय गुड डाइट शबा के खुदाफिज गुड मॉर्निंग आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं